और खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईद को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन आ चुकी है, यानी खुले में अगर कुर्बानी हुई तो अब कार्रवाई हो जाएगी। कुर्बानी के वीडियो फोटोज अपलोड करने पर भी कार्रवाई की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से। जिला प्रशासन ने 42 पॉइंट जो है वो कुर्बानी के लिए चिन्हित कर दिए हैं। शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। नगर निगम की तरफ से साफ सफाई के लिए अलग से टीम भी बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईद को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार कर दी है। भोपाल की एक खबर, जहां अब 4 बजे के बाद ये समय तय कर दिया गया है कि कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। 42 पॉइंट कुर्बानी के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद होने वाली साफ सफाई के मद्देनजर भी नगर निगम ने एक टीम गठित कर दी है, और यही टीम दरअसल साफ सफाई के लिए, साफ सफाई का जो भी काम होगा वो संभालने का काम ये टीम करेगी। और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर हैं। हम उनसे जानेंगे कि प्रशासन ने और किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है और किस तरह की कार्रवाई की आगे भी बात की जा रही है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? गाइडलाइन तय हो गई है प्रशासन की और ईद शांतिपूर्वक तरीके से ये त्यौहार, ये पर्व मनाया जाए, क्योंकि ये पर्व भले ही एक वर्ग विशेष का है, लेकिन ये देखने को जरूर मिलता है कि अनेकता में एकता वाली बात, जो हम हमेशा बोलते हैं हमारे देश के लिए। देखिए, बिल्कुल, कल ईद का त्यौहार है, उसको लेकर के प्रशासन ने जो है गाइडलाइन जारी की। देखिए, इस गाइडलाइन के मद्देनजर कई तमाम चीजें जो इससे कही गई हैं। देखिए, अगर हम पुरानी गाइडलाइन की अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा है कि लगभग कई जगहों पर खुले में कुर्बानी की जाती थी, लेकिन अब इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। खुले में किसी प्रकार की कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी। साथ ही सोशल मीडिया पर अगर कुर्बानी के फोटो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो भी जो है कानूनी, उन पर भी कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। देखिए, ये लगातार कई अहम चीजें हैं जो जिला प्रशासन ने उसको इस बार जोड़ी है। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले समय जो जिस प्रकार हमने देखा है कि जो कुछ हिंसात्मक घटनाएं जो है वो जरूर देखी गई, जिसको देखने के बाद लगातार जिला प्रशासन सतर्क है और सतर्कता के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। देखिए, 42 के आसपास जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर इस प्रकार की जो कुर्बानी है वो की जाएंगी। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस बार जिला प्रशासन के द्वारा तय की गई। बिल्कुल, अब इस गाइडलाइन पर लोगों की प्रतिक्रिया की हम बात कर लेते हैं। समुदाय विशेष की ही बात कर रहे हैं तो क्या कहना है, क्या इस गाइडलाइन से, क्योंकि 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, 42 पॉइंट जो बना दिए, चिन्हित कर दिए गए हैं, उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। फोटो वीडियोस अपलोड नहीं किए जाएंगे, ये विशेष रूप से उनको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह की जो एक चक्र सा तैयार कर दिया है, उस चक्र को लेकर या उस चक्र व्यू को लेकर, या ये कहा जाए कि जरूरत के लिए, सुरक्षा के लिए एहतियातन ये जो बातें कही जा रही हैं, उससे वर्ग विशेष संतुष्ट है या नहीं? देखिए, वर्ग विशेष के लिए ही ये पूरा पूरी गाइडलाइंस बनाई गई, और गाइडलाइन का पालन करवाना ये भी उन दोनों का फर्ज बनता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे धर्मलंबी हो। देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी जो गाइडलाइंस बनाई गई है उन्हीं के हितों को देखते हुए बनाई गई है। देखिए, अगर खुले में किसी प्रकार से कुर्बानी दी जाती तो कहीं ना कहीं आसपास के रहने वाले लोग भी इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते थे। उनको उनके ऑब्जेक्शन, उनके नफर, उनके धर्म विशेष के जो कल जिस प्रकार से देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जाए, और ऐसे में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, उसको लेकर ये पूरी चीजें की गई है। देखिए, अभी तक जो धर्मावली है, जो वर्ग विशेष है, उसकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ये जो गाइडलाइन शासन के द्वारा बनाई गई है तो कहीं ना कहीं उनकी स्वीकृति उसमें जरूर है। देखिए, कोई भी गाइडलाइन बनती है वो चाहे किसी भी धर्मावलंबी के लिए हो, उसको जिला प्रशासन वहाँ के जो जानकार होते हैं उनको बुलाकर इस प्रकार की जो बैठकें होती है, बैठकों के बाद ही इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। संभवतः इस प्रकार के जो निर्णय जो लिए गए हैं वो भी बैठकों में ही लिए गए होंगे। इन बैठकों को करने के बाद ही जो पूरे प्रयास है सरकार के कि किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति उपलब्ध न हो, ऐसा कोई वर्ग विशेष की किसी के धार्मिक भावनाएं जो है आहत न हो, उसको लेकर इस प्रकार की गाइडलाइन जो है वो बनाई जा रही। और सबसे बड़ी बात है, इसको सुनिश्चित भी किया गया। देखिए, 42 से ज्यादा पॉइंट इसमें बनाए गए, साथ साथ नगर निगम को भी इसमें जोड़ा गया है कि इसमें साफ सफाई वगैरह
की जो जो टीम है वो अलग से इसमें बनाई गई है। देखिए खुले में कुर्बानी न करना एक बड़ी जो है जो इस बार की जो गाइडलाइन है वो जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से त्योहार के बाद इस पर्व के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो साफ सफाई की, शहर की स्वच्छता एक बड़ी चुनौती हो जाती है नगर निगम के लिए। अगर कहा जाए कि इसके लिए जो विशेष टीम का गठन किया गया है इससे शायद शहर की स्वच्छता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो जगह चिन्हित की गई हैं उन जगह पर ही अगर कुर्बानियाँ दी जा रही हैं तो फिर एक विशेष जगह को तय करने के साथ साफ सफाई की जो टीम है उन्हें भी पता है कि इन्हीं चिन्हित जगहों पर उनको मॉनिटर भी करना है और वही जगह हैं जिनके साथ शहर को स्वच्छ बनाया जा सकेगा। यानी पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे से ही गाइडलाइन का अगर ध्यान रखा जाए तो शायद मुझे लगता है जो अव्यवस्था हर बार होती है उससे बचा जा सकेगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही का ही इसमें लाभ रहेगा। देखिए लाभ इसलिए कहा जा सकता है कि न तो उनके धर्म के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी होगी और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो जो अव्यवस्थाएं फैलती है साथ साथ नगर निगम को बाद में जो तकलीफें होती है वो कहीं ना कहीं कम होती जरूर देखी जाएंगी। देखिए जब वर्ग विशेष का त्यौहार है और वर्ग विशेष को सुनिश्चित तरीके से पूरे पर्व को मनाने की जो छूट है वो इसमें रहेगी। देखिए 42 स्थान जरूर बनाएंगे, यदि 42 स्थानों पर ही जो है कुर्बानी दी जाएगी। देखिए साफ सफाई भी लगभग यदि 42 स्थानों पर जो है वो की जाएंगी तो कहीं ना कहीं माहौल भी साफ सुथरा रहेगा और जो जो गंदगी की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर के सफाई की टीम नगर निगम के द्वारा अलग से बनाई गई है उसको भी कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो जरूर देखने में आएगी। बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण चीज जिसको लेकर फिलहाल कुछ दिनों से बवाल भी चल रहा है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, उसके लिए भी कुछ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शायद इसी के मद्देनजर चूंकि सांप्रदायिकता ना बढ़ के इस बात को भी ध्यान रखा गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए फोटोज और वीडियोज अपलोड नहीं कर सकते, उसकी भी मनाही है। अगर ऐसा किया जाएगा तो ध्यान दें इस वक्त जो भी लाइव देख रहे हैं इस ब्रेकिंग को कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो बेहतर होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ के करें, खासतौर से अगर ईद के माहौल में ये जो गाइडलाइन तैयार की गई है इसमें जो बिंदु मुख्य बिंदु रखा गया है उसका ध्यान विशेष रूप से देना होगा। जी प्रदीप, देखिए निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से जो है एक इच्छा हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर जिसके बाद कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जरूर देखी आई थी। देखिए सोशल मीडिया एक आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर कोई भी चीज अपलोड होने के बाद में बहुत तेजी से उस चीज को कहीं ना कहीं वो वायरल होती है जिसके बाद कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो आम जनता को भी जो देखने में आता है। देखिए किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, धर्म का जो धार्मिक जो त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए ये कोशिश जरूर की गई है राज्य शासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सरकार की गाइडलाइन को बनाकर। देखिए अब इसमें जो सोशल मीडिया पर जो लोग पोस्ट डालते हैं या किसी प्रकार की पोस्ट अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत उत्पन्न होता है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाइयां जो है वो भी की जाएंगी। देखिए ये जो गाइडलाइंस है वो राज्य निर्वाचन माफ कीजिएगा राज्य सरकार के द्वारा व जिला जो कलेक्टर है उनके द्वारा ये बनाए गए और आने वाले समय में इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं इन धर्मावलंबियों को भी मिलेगा। ये एक नई सोच के साथ जो है ये गाइडलाइंस को निका बनाया गया और इस गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जो आपसी जो त्यौहार है वो त्यौहार भी हंसी खुशी से मनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बता देते हैं कि जिस तरह की बेहद जरूरी हो गया है इन प्रशासन के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन किया जाना, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। इसीलिए प्रशासन ने समय रहते ही सारी चीजों को सुनिश्चित कर दिया है कि 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं दी जाएगी, खुले में कुर्बानी नहीं होगी, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि कुर्बानी के वीडियोज फोटोज अपलोड करने पर भी मनाही है। जिला प्रशासन ने ये 42 जो स्पॉट हैं उनको ये जो चिन्हित कर दी गई हैं जगह, और इसके अलावा आप कहीं भी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, तो विशेष रूप से सबको ध्यान रखना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, और अगर गाइडलाइन यानी कि नियम कायदे का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे तो उचित कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही, बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।